The next one is factor payment and transfer payment, factor income and transfer income. जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को आप कैसे अलग करेंगे, कैसे आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, है ना. आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो फैक्टर इनकम होती है इट इज़ फॉर रेंडरिंग सर्विसेज. व्हेन यू आर रेंडरिंग एनी सर्विसेज एंड यू आर गेटिंग एनी इनकम, दिस इज़ फैक्टर इनकम. और विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज इफ़ यू आर गेटिंग इनकम दैट इज़ ट्रांसफ़र इनकम. सपोज डैट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे इनकम मिल रही है, दैट इज़ फैक्टर इनकम बिकॉज आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज, है ना. मान लीजिए आप घर पे जाते हैं और आपके पापा आपको 500 रुपये देते हैं, दिस इज़ ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं की है, ठीक है, ठीक है. अगर मान लीजिए, हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपने घर पे अपने कोई काम किया और आपको कोई पैसा घर में पापा ने, मम्मी ने या आपके रिलेटिव्स ने किसी ने भी दिया, तो वो ट्रांसफ़र इनकम ही मानी जाएगी बिकॉज इट्स नॉट योर, ये जो नहीं, ये जो 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 वर्क है इट इज़ नॉट रेगुलर वर्क, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आपने कभी कभी काम किया, आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मैं अपने छोटे भाई को मेरी गाड़ी धुलने के लिए दे देता हूँ और वो गाड़ी धुल के लाता है और मैं उसको 50 रुपये देता हूँ, तो ये जो 50 रुपये होगा ये उसके लिए फैक्टर इनकम नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगा, क्योंकि वो गाड़ी धुलने का रेट बाज़ार में कितना है, हो सकता है 30 रुपये हो सकता है 70 रुपये हो, मतलब 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो मैंने उसको ऐसे ही दिया, उसकी सर्विसेज की वजह से नहीं दिया. सर्विस अगर उसका काम वही होता, अगर वो रेगुलर गाड़ी धुलने का ही काम कर रहा होता और फिर मैं उससे अपनी गाड़ी धुलाता और उसको पैसे देता, तो वो उसके लिए फैक्टर इनकम कहलाती, ठीक है ना. तो ये जो आप लेज़र टाइम एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो एक घंटे का आपका खेलने कूदने का समय, उसमें आप कोई पेंटिंग करते हैं, आप किचन गार्डन अपना बना रखा है, उसमें आप किचन गार्डन में काम करते हैं, या घर में माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है. अब पापा अगर मम्मी को खर्चे के रूप में कुछ पैसे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए दे रहे हैं कि वो घर में काम कर रही हैं, ठीक है ना. तो ये सारी इनकम क्या होती है, ये सब ट्रांसफ़र इनकम होती है. तो फैक्टर इनकम मतलब जहाँ आप रेंडरिंग सर्विसेज हो और साथ में ये सर्विसेज रेगुलर इन नेचर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी करते हैं और आपको पैसा मिल रहा है. और ये क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है, कि जहाँ पर आपने कोई सर्विसेज ना की हो और आपको पैसा मिला हो विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज. ये जो है ये अर्निंग कंसेप्ट है. ये क्या है, ये एक अर्निंग कंसेप्ट है. और ये क्या है, ये रिसिप्ट कंसेप्ट है. ये अर्निंग कंसेप्ट है. अर्निंग कंसेप्ट मीन्स जो पैसा कमाया गया हो, अर्न किया गया हो. और कमाई तभी आपकी मानी जाती है जब आपने कोई काम किया हो, काम करके जब आपको पैसा मिलता है तो वो आप कहते हैं कि मैंने कमाया है, ठीक है. और आपको ऐसे ही पैसा मिलता है तो आप ये कहते हैं कि ये मुझे दिया. कभी आप ये नहीं कहते कि मैंने पॉकेट मनी अर्न की है. पॉकेट मनी आप कभी कमाते नहीं हैं. घर में जो पापा आपको पैसा देते हैं, आपको भी ये नहीं कहते ये पैसा मैंने कमाया है, ठीक है ना. क्यों, क्योंकि ये रिसिप्ट कंसेप्ट है, आपने प्राप्त किया है. लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं और उसके बदले आपको पैसा मिलता है तो आप कहते हैं कि ये पैसा मैंने कमाया है, मतलब इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट. तो फैक्टर इनकम इज एन अर्निंग कंसेप्ट एंड ट्रांसफर इनकम इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूडिंग मीन्स नेशनल इनकम, है ना, एंड डोमेस्टिक इनकम, तो फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम as well as domestic income. जो फैक्टर इनकम है ये आपके नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होता है, जबकि जो ट्रांसफर इनकम है इट्स neither included in NI national income nor in domestic income. फैक्टर इनकम जो है वो आपके दोनों में ऐड होता है और जो ट्रांसफ़र इनकम है ये ना ही आपके डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है और ना ही आपके
नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। हाँ, जब हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम प्राइवेट इनकम में जरूर ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते हैं, NCTFROW करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और NDI के रूप में, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फैक्टर इनकम को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में और ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो रिम्बर्समेंट मिलता है, दैट इज वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड रेंट, ठीक है। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कुछ भी रिम्बर्समेंट मिलता है, ये फैक्टर इनकम कहलाता है। जनरली हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट, इनको जो मिलता है ये ट्रांसफर इनकम कहलाता है। इसे गवर्नमेंट को कैसे मिलती है इनकम? ग्रांट है, गिफ्ट है, दूसरे जगह से टैक्सेस हैं, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ये सब क्या है, ये आपके गवर्नमेंट के ट्रांसफर इनकम होता है। और फैक्टर इनकम क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को इसके लिए जो वो काम करते हैं उस काम के बदले उनको जो पैसा मिलता है। तो ये 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस क्या है।